हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट की सीरीज में पेरीमीटर से एरिया का 114.2 एक्सरसाइज है, ठीक है, 4.2, ठीक है। अब इसमें हमारे दो चीजों के बारे में बात की है, एक तो पेलनोग्राम और हमारा एक ट्रायंगल, दोनों का एरिया कैसे निकाला है। तो आप एक बात समझ लेना, पेलनोग्राम का एरिया फार्मूला निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो उसकी बेस और उसकी परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या हो जाएगा, काम, ठीक है, क्लियर, क्या हो जाएगा हमारा, बेस इनटू हाइट, ठीक है। बेस क्या होगा, ये जो बेस होगा मेरा, जिस पे जो परपेंडिकुलर हाइट होगी उसी पे ये बेस होगा, ये जो बेस है ये बेस हमारा 3 है, हाइट उसी परपेंडिकुलर हाइट क्या, 5। तो उसका जो एरिया हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आंसर, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे इसमें भी, ठीक है, एरिया ऑफ पहलो ग्राम, इन शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, थीके? क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट, बेस हमारा कितना, बेस को बी लिखेंगे, हाइट को एच लिखेंगे, ठीक है। तो बेस हमारा कितना 8 है, हाइट हमारी इस पे 4 है, तो कितना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ऐसे ही इसमें हुआ एरिया ऑफ पैलोग्राम, क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट, ठीक है, बेस हमारा कितना है 4 है, हाइट भी 4 है, तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुछ नहीं आपको करना, फिगर कैसे ही बना, फिगर हमेशा क्या होगा, पैलोग्राम का फिगर जो होता है हमेशा ऐसे होता है, कह सकते हैं यूं तरीके का होता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। जो वाली ये साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये साइड एक साइड के इक्वल होती है, और डायगोनल जो होते हैं D1, ठीक है, और D2 ये हमारे बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, क्लियर, छोटे बड़े होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना D1 हमेशा D2 इक्वल नहीं होगा, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होते हैं, रेक्टेंगल जो होता होता हमारा उसमें डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, छोटी मोटी चीजें आ जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, हुआ इसका जो होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है, बेस 1/2, बेस कितना हमारा 12 है, सामने देख रहा हाइट हमारी 4 है, तो इसे जब इसे काटोगे तो 2 बार, तो आंसर बिल भी कितना आ जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे इसमें क्या है, इसमें दो एरिया, एरिया के लिए क्या फार्मूला करें, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू कितनी है हमारी 3, हाइट की भी 3 है, तो 3×3=9/2, तो कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर दिया, ठीक है, सेंटीमीटर दिया, ठीक है। ये भी एक ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल ये बना, ठीक है, तो हाइट हमेशा क्या होता है हमारा, एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड हमारा 3 है, ठीक है, तो एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस कितना हमारा 4, हाइट 3, तो यहाँ 2 बार कट जाएगा, तो क्या ना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ इसमें करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, खाली आपको फार्मूला का रिवीजन होना होता है, ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, उसमें क्या दिया गया अच्छे से करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता तो अभी लाइक करें, अभी शेयर करें, और ऐसे कंटिन्यूड वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। आई होप ये बात अब समझ में आ गई होगी आप सभी के, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 3 को देखेंगे कैसा है, ठीक है, और 4 को देखेंगे, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 3 कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमें किसी एरिया एरिया दिया है, ट्रायंगल का एरिया दिया गया है, ठीक है। फाइंड द एल्टीट्यूड, हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजरिंग 40, जिससे हमारा एल्टीट्यूड बना है उस साइड की में 14 मेजर दिया। अगर हम इसका फिगर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, मान लो ये हमारा एल्टीट्यूड, यही हमारा एल्टीट्यूड होगा, ये एच है, इसे निकालना, ठीक है। और किस पे ये बना, ये 14 पे, इस पे बना है, ठीक है, ठीक है, 90 डिग्री होगा यहाँ एल्टीट्यूड बना, ठीक है। एरिया दिया गया है, तो एरिया दिया गया, एरिया ऑफ ट्राई एंगल कितना है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बी एच कह सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, 84, ठीक है, 1/2 बेस की वैल्यू कितनी है हमारी, 14, और एच, ठीक है, 7 बार कटेगा, ठीक है, 7 से ये डिवाइड होगा कितने बार, 1/2 बार, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, जो 12 मेरा क्या निकलेगा, एच निकलेगा, ठीक है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी, एल्टीट्यूड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, द एडजेसेंटिंग साइड ऑफ, एक फिगर होती है, फिगर भी बना लेते हैं, ये मेरा फिगर है, ये फिगर मान लो, ठीक है, एक हमारा एल्टीट्यूड है, एक हमारा ये एल्टीट्यूड दिएगा, ठीक है, एक एल्टीट्यूड ये, ठीक है, एक एल्टीट्यूड हमारा ये, दो एल्टीट्यूड है, जो एच है और ये 8 है, ये 12 है, ठीक है, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एरिया पूछा गया है, तो सबसे पहले एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, एक मुझे क्या चाहिए, हाइट चाहिए, एक बेस चाहिए, ठीक है। तो उसमें बोला गया दो साइड जो देंगे 6 और 12, तो ये 12 तो ये वाली 6 हो गई, ठीक है, तो इसका ये वाला बेस, ठीक है, और ये वाली हाइट, इन दोनों का यूज करके हम एरिया निकाल लेंगे, बेस इंटू हाइट कितना निकलेगा, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एरिया निकल आया, अब एरिया निकाला है, तो अब हमें इस एच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एच की वैल्यू निकालनी है, तो हम निकाल सकते हैं, हम लगाएंगे एरिया ऑफ पेनोग्राम, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ध्यान रखना एरिया ऑफ पेनोग्राम दोनों कंडीशन में सेम रहेगा, तो 48, ठीक है। अब हम बेस इंटू हाइट इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे एच मल्टीप्लाई 12, ठीक है, इससे कट जाएगा 4 टाइम्स, तो एच की वैल्यू कितनी है कि 4, तो ये हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड का 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, कुछ ज्यादा टफ नहीं था, इसमें एरिया निकालना था और एल्टीट्यूड निकालना था, इसमें हमारा एच की एल्टीट्यूड निकालना था, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखते हैं आराम से, कह रहा है द एडजेसेंट साइड ऑफ पेनोग्राम आर 5 और 3, मतलब जो एक एक हमारा पेनोग्राम है, ठीक है, ठीक है, ये पेनोग्राम, ठीक है, हाँ, जिसकी रेशियो 5 और 3, फाइव ये होगी 5x और ये 3x ये होगी, अगर रेशियो दिया गया ना, रेशियो 5 × 3 दिया, तो साइड से जो हो जाएंगे 5x हो जाती है और 3x अलग हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये भी 3x हो जाएगी और ये 5x हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब हमसे ये कह रहा है कि जो कह रहा है
इफ द लॉन्गर साइड ऑफ टू इज, कह रहा है लॉन्गर साइड जो हमारी इतनी है, लॉन्गर साइड हमारी कितनी 5x, 5x बराबर हमारा कितना दिया 7.5, तो x इक्वल टू बेटा कितना आ जाए, वन पॉइंट फाइव आ जाएगी। तो साइड बेटा क्या हो जाएगी 5, ये तो 7.5 हो ही जाएगी, ठीक है, ये तो 7.5 दी गई है, 7.5 दी गई, ये भी 7.5 दी गई, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, ये अब मल्टीप्लाई कराएंगे 1.5 का तो माई 3 हो जाएगा, सॉरी 45, 4.5 क्या हो जाएगी 4.5, तो ये भाई 4.5, ठीक है, पहुँच पहुँच आ गया, तो देखो सबको हटा देना, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारी इतनी निकल आई है, 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 1.5, तो यानी कि 4.5, ठीक है आ जाइए। तो हमें पता ये साइड 7.5 है, ये 4.5 है, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या, तो सारी साइडों को ऐड करना, सारी साइड को ऐड करो तो ये फार्मूला रेक्टेंगल वाला इसमें काम करता है पेनलोग्राम में, ठीक है। तो कितना हमारा 7.5 प्लस 4.5 तो हो जाएगा हमारा 2, 12.12 हो जाएगा, यानी कि 24 सेंटीमीटर, ये हमारा पेरीमीटर निकलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे इसके इनर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, जैसे ए बी सी की सारी डिस्टेंस दी गई है, तो पहले एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो मुझे क्या चाहिए 1/2 बेस चाहिए और हाइट चाहिए, तो बेस हमारा कितना है, बेस हमारा 9 है, ठीक है, और हाइट इस ट्रायंगल की हाइट ये वाली है कितनी है 6 है, कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है ये ट्रायंगल जो है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये वाली की, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेंगल ऑफ सी ई, ई पॉइंट है, ठीक है, सी, ठीक है, एल्टीट्यूड निकालना, मतलब ये एरिया तो बराबर है, एरिया ऑफ ए बी सी कितना है हमारा 27, ठीक है, वही काम इसमें भी लिख सकता है, ये हमारा बेस इंटू हाइट जो पैरेललोग्राम में काम किया था, ठीक है, 1/2 बेस कितना हमारा 12, हाइट हमें निकालनी है, एल्टीट्यूड कोई 6, ठीक है, एच की वैल्यू जो निकलेगी वो थोड़ा पॉइंट में निकलेगी, ठीक है, 4 बार कटेगा, ठीक है, 3 बचेगा, ठीक है, 30 बच जाएगा, 30 में हम डिवाइड देंगे 5 बार जाएगा 4.5, ठीक है, सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.5 सेंटीमीटर, एरिया निकलेगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखें कैसे करते हैं, बहुत इजी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर दिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों में किसी की वैल्यू दी है तो ये देखा, फाइंड द लेंथ, लेंथ निकालनी ऑफ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग टू द एल्टीट्यूड ऑफ 5, ठीक है, जो कह रहे करस्पॉन्डिंग टू एल्टीट्यूड 5, मेजरिंग 5, एल्टीट्यूड मेजरिंग 5, यानी एच 5 दे, बी निकालनी है एच 5, ठीक है, ये साइड हमारी कितनी दी गई 10, यानी 10 का स्क्वायर, ये कितना, ये तो कटेगा नहीं, ठीक है, बी अपॉन 5 बी मल्टीप्लाई, ठीक है, ये रहेगा 100, 110, ठीक है, इसे काटो
टू बार, ठीक है, और पी इक्वल टू जो आ जाएगा 2 × 2 × 10, यानी कि जो आ जाएगी वो कितनी है, 40 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब इसको देख लेते हैं बेटा क्या कह रहा, एरिया ऑफ फील्ड फ्रॉम द पैरेलोग्राम, हमारा फील्ड है जो पैरेलोग्राम में दिया गया, एरिया दिया गया, एरिया ऑफ पैरेलोग्राम, ठीक है, बेसी टू हाइट, ठीक है, कितना है, इतना दिया है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी है, मतलब डायगोनल की लेंथ निकालनी है ऑन वे जो क्या है, परपेंडिकुलर ऑन ऑन द टू वर्टेक्सेस, तो ये टू वर्टेक्सेस के परपेंडिकुलर है, तो यही मेरा डायगोनल के लिए क्या करेगा, तो इसे हम कह देंगे ये मेरा क्या है, डायगोनल डी हो जाएगा, ठीक है। और बी की वैल्यू हमें कितना दी गई, 12, ठीक है, 12 से काटेंगे 3 बार और 6 बार, यानी डी, तो डायगोनल क्या आ जाएगा, डायगोनल हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 36, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है, हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना, ठीक है, तो बहुत अच्छी सी बात है, आराम से करेंगे, ठीक है। तो एक हमारा रेक्टेंगल दिया जिसकी हमें सारी लेंथ दी है, ठीक है, तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, बी इंटू एल, कितना हो जाएगा बेटा, 20 × 28, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पी, ट्रायंगल का साइन पी ओ क्यू क्या होता है बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस हमारा कितना बेटा, 28 है, दिख रहा। अब हाइट आपको कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, अब ये जब ये देखो ये हमारा क्या होगा, एक मिड पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच के, तो ये मिड पॉइंट यानी कि ये 10, ये हमारा 10 काम करेगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, 5, तो कितना हो जाएगा, 28 × 5, ठीक है। अब हमें माइनस करना है, क्या करना, माइनस करना, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू, तो माइनस करेंगे, देखो 20 × 28 माइनस 28 × 5, तो इसको देखो कैसे, 5 28 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 20 − 5 तो क्या हो जाएगा, 28 × 15 तो कितना हो जाएगा, 15 × 120, ठीक है, 12 कह रही है, ठीक है, 30 × 15 = 30 और 42, 42 मीटर स्क्वायर, ये हमारा फोर्थ रीजन का एरिया निकल आएगा, ठीक है। अब इस पर चलते हैं, यार कैलकुलेट द मिसिंग मेजरमेंट, ठीक है, ट्रायंगल है, हाइट देगी, बेस निकालना, ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, कितना दिया गया, 0 6 0, हाइट की वैल्यू कितनी है, 18, बेस निकालना, आराम से निकाल आएगा, काटो 9 बार 9 से काटो, ठीक है, 3 बार और 4 बार, यानी कि बेस की वैल्यू कितनी, 34 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 34 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका निकालना पैरेललोग्राम का क्या होगा, बेस इंटू हाइट, कितना दिया, 48, बेस की वैल्यू कितनी है और हाइट की वैल्यू कितनी है, 4.9, ठीक है, 7 से पहले तो ऐसे लिख ले, पॉइंट 2.4 इधर आ जाएगा, ठीक है, 40
नाइन नाइन है, ठीक है। सेवन से काट दो, सेवन से काटो थ्री बार, ठीक है। कितना फोर बचेगा, यानी 44, 44 बचेगा यानी सिक्स बार, फिर टू बचेगा, फिर फोर बार, ठीक है। फोर कितना आ जाएगा हमारा, अब फिर हम काट देते इसको, कितने बार कटेगा, सेवन, फाइव जा 35 और टू, यानी कि बी की जो वैल्यू आ जाएगी 5.2, 5.2 मीटर, ठीक है। अब तीसरा निकालेंगे भाई, बी इंटू एच दिया गया हमारा 2 हेक्टेयर, ठीक है। अब यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, 250। अब बहुत कंफ्यूजन मत करना, ये हमारा हो जाएगा 20,000, 4 जीरो बढ़ जाते हैं, ठीक है, मीटर स्क्वेयर, ठीक है, ये मीटर स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। अब काटो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। 25 से काटो, कितने बार कटेगा, 8 बार, यानी कि 80, कितना हो जाएगा 80। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 80 मीटर, ठीक है, इसके लिए 80 मीटर, ठीक है। आंसर मैच कर लेना, ठीक है, आंसर मैच कर ले रहे। फोर ट्वेंटी, 85.2, 34, ठीक है। तो सारे आंसर ठीक है, यहाँ पे बेटा कन्फ्यूजन मत करना, ये 20,000 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। 4 जीरो को मल्टीप्लाई हो जाता है हेक्टेयर से मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी है। कुछ नेक्स्ट एक्सरसाइज किसकी बेटा, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे सर्कमफेरेंस, सर्कल के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे और ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाए, ठीक है। जय हिंद।